Hello students, we are back again. Today we are going to discuss about our nervous system part 2. ठीक है, तो पिछला वीडियो part 1 में हम लोग देखे थे नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या क्या चीज़ लेके बना है, वो मेन चीज़ क्या क्या है. जैसे हम देख सकते हैं नर्वस सिस्टम में जो मेन चीज़ लेके बना है वो है ब्रेन, नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. ठीक है, उसमें से हम लोग ब्रेन को पढ़ लिए, ब्रेन तीन हिस्सा है उसको भी पढ़ लिए और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ लिया, और बचा हुआ नर्व्स उसको आज कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो नर्व्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे. नर्व्स क्या है, नर्व्स का तीनों हिस्सा क्या क्या है, कौन सा चीज़ का क्या काम है, वो हम लोग देखेंगे. देखिए यहाँ पर है नर्व्स. ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. हमारा शरीर का, ठीक है, मतलब पूरा इंसान का बॉडी जो है वो ब्रेन से जुड़े हैं. किसके द्वारा? नर्व से द्वारा. ठीक है, जैसे हर एक घर में कभी कहीं पे बत्ती चलता है, कहीं पे पंखा चलता है, कहीं पे टीवी चलता है, लेकिन उसका जो करंट है, वायर्स है, वायर कहाँ पे जुड़ा रहता है? बोर्ड में ना. उसी तरह हमारा बॉडी का जितना भी पार्ट्स है, ठीक है, हाथ पैर, बॉडी का मसल, जितना भी अंग है, सबका कनेक्शन जुड़ा है ब्रेन से. किसके माध्यम से? नर्व्स के माध्यम से. ठीक है, तो घर में जैसे इलेक्ट्रिक वायर रहता है पंखा को, लाइट को जोड़ने के लिए, उसी तरह हमारे बॉडी में नर्व्स है बॉडी को विभिन्न अंग प्रत्यंग को ब्रेन से जोड़ने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स. तीन प्रकार की नर्व्स होता है, वो क्या क्या है? देयर आर सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स. सेंसरी नर्व्स क्या है वो पहले देख लेंगे. द सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. तो सेंसरी नर्व्स जो है वो क्या करता है, वो बॉडीज कहीं से, मतलब हमारे बॉडी की कहीं जगह से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में लेके जाता है. ठीक है, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आ जाएगा. यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पिक्चर. मान के चलिए ये जो हाथ है आपका, ये हाथ पे चोट लग गया, कोई टीचर आपको स्टिक से मार रहा है. ठीक है, तो मार दिया, मारने के बाद जो दर्द है, तो हाथ पे एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, हाथ के ऊपर, उस रिसेप्टर में जो नर्व्स है वो जुड़ा रहता है. वो नर्व्स क्या करेगा, वो नर्व्स इंफॉर्मेशन को ऐसे सीधा करके ऐसे देगा स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये जो है ना, ये बैकबोन है, बैकबोन के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड. तो ये जो नर्व्स है ये सीधा लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड देगा ब्रेन को. फिर तो ये जो जो नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है हाथ से लेके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, इस नर्व्स का क्या नाम है? इस नर्व का नाम है सेंसोरी नर्व. ठीक है, सेंसोरी, जगह नहीं है उधर लिखने का. तो ये नर्व है, ये सेंसोरी नर्व जो लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक. फिर जो रिप्लाई आएगा ब्रेन से लौट के आएगा जो रिप्लाई, वो है मोटर नर्व. वो हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे. तो सेंसोरी नर्व पढ़ लिए जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जा रहा है. ठीक है, अब देखिए मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मोटर नर्व्स जो है वो ब्रेन का जो रिप्लाई, ब्रेन जो रिप्लाई भेजता है उस रिप्लाई को लेकर बॉडी का अंग में जाता है. ठीक है, तो कहाँ पे चोट लगा था? हाथ पे चोट लगा था, तो हार्ट से इन्फॉर्मेशन ब्रेन को लेके गया था सेंसरी न्यूरॉन. फिर ब्रेन से जो रिप्लाई आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन लेके हाथ की जहाँ पे लगा था उस मसल में लेकर आएगा, और मसल तब क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, हार्ट ऑटोमेटिक हट जाएगा. या फिर हाथ में दर्द महसूस होगा तो हम लोग हाथ को क्या करेंगे, उंगली से थोड़ा अप डाउन करेंगे, या फिर हाथ के ऊपर थोड़ा उसको रब करेंगे ताकि उसको और थोड़ा आराम मिल सके, या फिर पानी डालेंगे, ऐसे कुछ करते हैं. ठीक है, तो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स क्या है वो समझ में आया. सेंसरी जो है वो एक्चुअली उसका काम है बॉडी का कहीं पर भी चोट लग जाए तो जहाँ पर चोट लगेगा उसी जगह से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन जो रिप्लाई देगा, मतलब उसके बाद क्या करना है, चोट लग गया तो उसके बाद जो करना है उस रिप्लाई को लेके जो उस अंग में आएगा जहाँ पे चोट लगा था वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके जो लाएगा उसका नाम है मोटर नर्व्स. ठीक है, आपको एक छोटा तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे. ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मोमबत्ती जल रहा है, मान के चलिए आप गलती से उसको छू दिया, तो छूने के समय हाथ की उंगली में कुछ रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर में नर्व्स जुड़ा है, वो नर्व्स इन्फॉर्मेशन को ऐसे ऐसे लेके जाएगा ब्रेन तक. ठीक है, ब्रेन तक लेके जाएगा. ये क्या हो गया, ये हो गया सेंसरी नर्व्स. फिर ब्रेन से एक रिप्लाई आएगा, देखिए यहाँ पे दो दो नर्व्स दिखा रहा है ना, एक ब्लू और एक
मैं रेड को हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दो दो नाव्स है, एक है एक है ग्रीन कलर का, है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन कलर का एक्चुअली सेंसरी नाव है, ग्रीन कलर का जो है वो है सेंसरी नाव, ग्रीन कलर का। ये देखिए यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का नाव, ये नाव से लेके जा रहा है ब्रेन तक। मतलब कलर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब नहीं कि बॉडी में जो ग्रीन कलर है वो सेंसरी नाव है, बॉडी में कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली दिया गया है ताकि हम लोग समझ सके, दो दो नाव को अलग अलग रंग से दिया गया है ताकि हम लोग दो दो नाव को अलग से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो नाव है ये देखो उंगली से लेके एकदम सीधा ब्रेन में जा रहा है, ये सेंसरी नाव। फिर ब्रेन से जो रिप्लाई आ रहा है वो देखो ब्लू लेके आ रहा है, ब्लू ब्लू लेके आ गया ये मसल में, ठीक है। इस मसल क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, संकुचन करेगा। तो संकुचन करेगा तो क्या होगा, हाथ जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, हाथ यहाँ पे था, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो हाथ ऑटोमेटिक उठ जाएगा। आप लोग समझ सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करने से कैसे हाथ उठेगा, मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे उठेगा। तो एक वीडियो देखते देखते वीडियो को एक बार पॉज कर लो, फिर खुद एक बार ट्राई करो, हाथ को सीधा करो, हाथ को सीधा करो। जब हम लोग बोलते हैं हाथ दो मारने के लिए, जब हाथ मांगते हैं तब ऐसे सीधा करते हो ना, उस तरह सीधा करो, ठीक है, सीधा करो। आप सोचो तुमको कोई मार रहा है तो तुम क्या करोगे, हाथ को ऐसे खींचोगे ना, तो खींचते कौन है, वही जब मसल कॉन्टेक्ट होगा तभी आपका हाथ ऑटोमेटिक खींच जाएगा। कि आँख देखता है कि कोई टीचर आपको मारने आ रहा है तभी आप हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि तब सेंसरी नाव लेके जाता है कि हाथ को मारने आ रहा है ये, ठीक है। आँख से सेंसरी नाव चला जाता है कि अब देख रहा है कि टीचर मारने आ रहा है, तब रिप्लाई आता है मोटो नाव से, ब्लू नाव से, मसल में, मसल कॉन्टेक्ट करता है तब आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ये जो होता है ये सेंसरी मोटो नाव का खेल है, ठीक है। आप पढ़ेंगे मिक्स नाव क्या है। मिक्स नाव एक ऐसा नाव है जो दोनों काम को एक साथ करता है, तो जो नाव दोनों काम को है, मतलब सेंसरी नाव का भी काम करेगा और मोटो नाव का भी काम करेगा, तो ऐसा नाव है उसे कहेंगे मिक्स नाव। ठीक है, द मिक्स नाव कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन द स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल्स ग्लैंड्स। तो मिक्स नाव ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन तक लेके भी जाएगा, फिर ब्रेन से लेकर उस जगह में लेके जाएगा जहाँ पे चोट लगा था, ठीक है। मतलब दोनों काज वो अकेला कर गए, उसका नाम है मिक्स्ड नाव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोग सोचते होंगे ये जो बुक्स है, ये पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा है, ये पे जो लाइन है वो मैच क्यों नहीं कर रहा है। ये जो बुक्स है ना, ये हम पिछला साल का जो बुक है 5 का वो हम लिए, क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीर है वो तस्वीर भी अच्छा है, जो लाइन है एक्सप्लेनेशन जो है वो भी अच्छा है, इसलिए ये बुक हम लिए हैं। आपका भी बुक का फोटो मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर है नीचे, ये देखिए आपका बुक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत कम दिया है, इतना सा दिया है बस, रिफ्लेक्शन बहुत कम दिया है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा दिया है। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन क्या है ये बताया गया है, रिफ्लेक्शन क्या है, द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, कोई आपको मारने जा रहा है तो हाथ ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये जो एक्शन है इसे कहता है रिफ्लेक्स एक्शन। आप इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक्सप्लेन दिया है, ये देखिए, व्हेन इंटेंस लाइट फॉल ऑन द आई, जब आँख में कोई तेज रोशनी गिरता है तब क्या होता है, इमीडिएटली द आई लिड क्लोज टू प्रोटेक्ट। तब आपका आँख का जो सामने पन्ना होता है आँख का, ठीक है, जो आई लिड होता है वो ऑटोमेटिक ढक जाता है। जब अगर कोई आँख में ऐसा होता है ना, कभी कभी तुम लोग देखते हो, कभी कोई अगर आपको आँख के सामने टॉर्च मार दे तो आपका आँख बुझ जाता है, या फिर आप रास्ते में चल रहे हैं, अंधेरा रास्ते में चल रहा है, कोई बाइक आ रहा है या फिर कोई ट्रक आ रहा है, लाइट जला के, तो आप अचानक आपका आँख बंद हो जाता है, या फिर देखेंगे भी तो बात कुछ दिखता नहीं है, ऐसा होता है ना। तो ये जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक होता है, तो मैं आपको अगर मारने जाऊँ तो आप हाथ को हटा लेंगे, अगर गाल में मारने जाऊँ तो आप आँख भी बंद करेंगे, गाल को भी हटाएंगे, ये जो ऑटोमेटिक एक्शन है इसे कहता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंसिडेंट बोला गया, एग्जांपल बोला गया कि आँख में व्हेन द इंटेंस लाइट फॉल ऑन द आई, आँख में जब तेज रोशनी गिरता है तो इमीडिएटली द आईलिड्स क्लोज टू प्रोटेक्ट, तब आँख का जो ढक्कन है आईलिड है वो ऑटोमेटिक ढक जाता है, आँख को ढक लेता है। व्हेन द वी टच एनी हॉट सब्सटेंस आवर हैंड इज इमीडिएटली विदड्रॉन फ्रॉम इट, जब कोई गर्म चीज़ को हम लोग टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तब अचानक हाथ वहीं से हट जाता है ना। सो व्हेन वी हर्ड समबॉडी शूटिंग फॉर हेल्प वी इमीडिएटली रन टू हिम, जब कोई चिल्ला रहा है कि मदद के लिए तब हम लोग दौड़ के भाग के देखते हैं कौन कौन बुला रहा है हेल्प के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये सब रिफ्लेक्शन है।
व्हेन वी हार्ड सम बॉडी शाउटिंग, ओ इधर हो गया, ओ नेक्स्ट देखेंगे, द क्लोजिंग ऑफ द आई, द क्लोजिंग ऑफ द आई, द विथड्रॉ ऑफ द हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड रनिंग टू द पर्सन ऑन डिस्ट्रेस आर नॉट प्लान एक्शन और रिस्पॉन्स। ये जो बोल रहा है, ये जो हाथ हटा लेना मोमबत्ती के ऊपर, अगर हाथ रख लिए जलते हुआ मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दिए तो हाथ हट जाता है, तो ये कोई परिकल्पना वहाँ की काम नहीं है। यहाँ पे जो बोल रहा है, दिस आर नॉट प्लान एक्शन और रिस्पॉन्स, ये हम लोग प्लान करके नहीं हटाते हैं, ये ऑटोमेटिक हट जाता है, हम लोग सोचने से पहले हाथ खुद हटा लेता है ना। ये जो एग्जाम्पल है ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम है, ठीक है, ये नर्व्स करता है, क्योंकि इतना जो अचानक हम लोग हाथ हटा लेते हैं, ठीक है, या फिर मारते हैं कोई टीचर तो हाथ हटा लेते हैं, ये जो काम होता है ना ये नर्व्स करता है ऑटोमेटिक, ये बहुत फास्ट है, नर्व जो काम करते हैं बहुत फास्ट होता है, उसी एक सेकंड के अंदर ही, मतलब एक सेकंड के नहीं है, एक सेकंड का भी बहुत कम, मिली सेकंड में क्या होता है, सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है ब्रेन में, ब्रेन रिप्लाई भेजता है मसल में और हाथ ऑटोमेटिक हट जाता है, ये विद इन सेकेंड ये फटाफट काम होता है, इसलिए ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोला गया, ऑल सडन, ठीक है, सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन, सडन मतलब अचानक होगा, सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन, ओके, सडन मतलब अचानक, इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारा मर्जी से नहीं होगा, बॉडी खुद करेगा, ठीक है, तो ऑल सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक होता है और जो बॉडी करता है ऑटोमेटिक, मेरा मर्जी से नहीं चलेगा, बॉडी का मर्जी से चलेगा, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, तो अचानक इन्वर्टेड एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। दे हेल्प द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फोर्सेस दैट कॉज डैमेज और इंजरी, तो ये बॉडी को सुरक्षा देने में प्रदान करता है किससे, डैमेज से, ठीक है। ईच सेंस ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स, जितना भी बॉडी में सेल्स ऑर्गन है क्या लेके बना है, रिसेप्टर सेल्स लेके बना है। व्हेन अ स्टिम्यूलस एक्ट्स ऑन द बॉडी इट इज सेंस्ड बाय द रिसेप्टर ऑफ द सेंस ऑर्गन लाइक आई ईयर नोज एटसेट्रा, ठीक है। सो व्हेन अ स्टिम्युलस एक्ट्स ऑन द बॉडी इट इज सेंस्ड बाय द रिसेप्टर, जब कोई स्टिम्युलस मतलब क्या है, एक उत्तेजना, ठीक है, मतलब गर्म चीज़ अगर आपको बॉडी में स्पर्श हो गया, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स आता है ब्रेन से, हम लोग हाथ हटा लेते हैं, कोई आपको मार दिया, चींटी कर दिया, ठीक है, तो हम लोग ऊह करते हैं, आ करते हैं, कि कोई आपको पीछे से बाल खींच दिया तो हम लोग चिल्लाते हैं, ऊह करके चिल्लाते हैं ना, तो ये जो है हम लोग को पता नहीं कौन खींच रहा है, लेकिन जब लगता है ऑटोमेटिक हम लोग बोलते हैं ओ, या फिर मच्छर कट रहा है, मान के चलो आपका पैर में मच्छर कटा है, आप देखे नहीं है, लेकिन आपका हाथ चल जाएगा उस मच्छर को मारने के लिए, और आप मार भी देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं, आप देखे भी नहीं कि मच्छर कहाँ कट रहा है, फिर भी आप उस मच्छर को मार देंगे बिना देखे, क्योंकि ये जो काम है ये ब्रेन करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम है। यहाँ पर देखिए, सो द रिसेप्टर सेल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस बाय प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करेंट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स, तो जब कोई मच्छर काटता है या फिर गर्म चीज़ पे टच हो जाता है तो वहाँ पे जो रिसेप्टर सेल है, रिसेप्टर सेल नर्व्स को देता है, नर्व्स कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक, फिर ब्रेन से रिप्लाई आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं, या फिर जहाँ पे मच्छर बैठा है उस मच्छर को मारने जाते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज एनालाइज बाय द स्पाइनल कॉर्ड, this information is analyzed by in the spinal cord and an appropriate response such as withdrawing hand from a hot object is given in the form of impulse, to yahan pe jo picture dekh rahe hain yahan pe kya kiya hai, garam pot hai yahan pe, maan ke garam pani ho, pani ko garam kiya ja raha hai hot pot mein, to us time galti se haath dala gaya, theek hai, to kya hua, wo haath automatic thodi der baad nahi, achanak hi ek second ke andar hi wo haath hat jayega। फिर यहाँ पे एक नया शब्द मिलेगा, इफेक्टिव ऑर्गन और रिफ्लेक्स क्या है, देखो इफेक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है, द इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कैरीड, द इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कैरीड टू द मसल्स बाय मोटो नर्व, देन दिस मसल आर कॉल्ड इफेक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे इस पिक्चर को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे गर्म चीज़ को छुआ था, सेंसरी नर्व जो है ग्रीन कलर का वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके गया था, फिर ब्रेन से ब्लू कलर का जो नर्व से वो इन्फॉर्मेशन लेके मसल तक आया, ठीक है, ये मसल क्या कर रहा है,
ये मसल हाथ खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हाथ ऑटोमेटिक हट जा रहा है, ठीक है। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हाथ इधर से हट के जा रहा है, उस मसल को बोला जाता है इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। ठीक है, वही था कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब हाथ ऊपर जा रहा है, हाथ वहाँ से हट रहा है, इसलिए उस मसल को बोला जाता है इफेक्टर ऑर्गन। अब देखिए रिफ्लेक्स आर्क क्या है। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द पार्ट ट्रेवल बाय द इम्पल्स ड्यूरिंग आर रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ता से जिस पथ से रिफ्लेक्शन होता है उस पथ को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। मान के चलिए यहाँ पे जो पथ है यहाँ से लेके जा रहा है ऐसे ब्रेन में, फिर ब्रेन से लेके आ रहा है मसल में, तो ये जो है यहाँ से लेकर ब्रेन तक, ब्रेन से फिर मसल तक, ये है रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ता से हो रहा है उस रास्ता को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। बहुत आसान है। सो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नर्व्स है, जो ब्रेन का सॉरी नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट है नर्व्स। नर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर्व्स एक ऐसा चीज़ है जो नर्वस सिस्टम को मतलब पूरा कंट्रोल ही करता है। नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो एक्चुअली इस नर्व से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। कि पूरा बॉडी में नर्व्स फैला हुआ है, इधर देखिए इस पिक्चर को, पूरा बॉडी में नर्व्स कैसे फैला हुआ है, जैसे ब्लड वेसल होता है ना, ये जो है ये सब नर्व्स है, ये जो दिख रहा है आपको इधर 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 इधर, ये सब नर्व्स है, ये हड्डी नहीं है, ये सब नर्व्स है, ठीक है। यहाँ पे हड्डी का पीछे नहीं दिख रहा, हम लोग नर्व्स पढ़ रहे हैं, नर्व्स ये सब नर्व्स है। तो बॉडी में इतना सारा नर्व्स होता है, कितना कुछ होता है हमारा बॉडी में, ठीक है। हड्डी तो होता ही है, हड्डी के साथ साथ क्या होता है नास रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स रहता है जिसे हम लोग वेन्स कहते हैं, नास हम लोग बोलते हैं ना, नास नास नाव्स और नास अलग है। नास जो होता है वो है वेन्स जिसके अंदर से खून बहता है, और नाव्स जो होता है नाव्स जिसके अंदर से रिस्पॉन्स जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब गर्म चीज़ को छू लिया, ये जो इन्फॉर्मेशन जो छुए हैं आप गर्म चीज़ को, ये जो चीज़ गर्म है इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा ब्रेन तक, जो सामान उसे कहते हैं नाव्स, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहा है इधर, ये नर्व्स है, कोई हड्डी नहीं है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम में क्या पढ़े, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या क्या चीज़ लेके बना है, हर चीज़ को आज पढ़े। नर्व्स क्या है, नर्व्स कितने प्रकार की है, कौन सा नर्व्स का क्या काम है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े सेंस ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और लॉकडाउन में घर में रहो, ज़्यादा बाहर मत निकालिए आप लोग, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए मन लगा के बस, और हैंड राइटिंग भी डेली करते रहिए ताकि आप लोग हैंड राइटिंग और भी बेहतर हो सके।